पाकिस्तानी कितने मदरसा छाप होते हैं, इसकी बानगी इमरान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान नजर आई। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने चापलूसी के अंदाज में कहा कि अमेरिका के इतने अच्छे राष्ट्रपति पहली बार बने हैं। इस पर ट्रंप ने जो जवाब दिया उसे सुनकर इस पाकिस्तानी पत्रकार का तहमंद उड़े बिना नहीं रह सका। ट्रंप ने कहा, आप यह मानते हैं पर मैं तो पाकिस्तान पर काफी सख्त हूं। मतलब हीरा मंडी के बाहर लगने वाली साप्ताहिक हाट के बतासे खाकर गई ये पाकिस्तानी, जितनी बची थी उसे भी बजवाकर लौटे हैं। घर से ये ऐसे चले थे मानो व्हाइट हाउस की पुताई इनकी तशरीफ के लिए ही हुई है, लेकिन इनकी कदर भिखारी जितनी भी नहीं हो पाई। दरअसल पीओके की मुजफ्फराबाद की रैली में जो तहमद फाड़ आयोजन इमरान ने किया था और यूएन में जाने का ढिंढोरा गधैया नर्तक करके पीटा था, भारत की कूटनीतिक घेराबंदी ने इमरान के उस प्लान पर पानी फेर दिया है। कश्मीर पर इमरान की कोशिशों को ट्रंप ने न सिर्फ हंसी में उड़ा दिया बल्कि वहां के पत्रकारों को भी नसीहत दे डाली। अमेरिका से खाली हाथ लौट रहे इमरान अब वहां मीडिया और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ट्रंप पर भी खुन्नस निकाल रहे हैं। पाक चैनलों पर ट्रंप और मोदी के भाषण को पाकिस्तान और मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान जंग तक बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के तहमंद मुश्किल में आ चुके हैं। गधैया नृत्य के जश्न घर के भीतर भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जियो न्यूज के एंकर हामिद मीर ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप और मोदी ने ऐलान जंग कर दिया है, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। ट्रंप का यह बयान भी पाकिस्तान के पिछवाड़ों पर कैक्टस की तरह चुभ रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अपना दोस्त बताया था और इस्लामिक आतंकवाद से पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पर बात केवल यहां तक नहीं है, पाकिस्तान के नेता अब इमरान के पिछले दौरे को सफल बताने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेता मुस्दिक मलिक ने इमरान की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। इमरान खान अमेरिका में जाकर बता रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीम बनाई है। मुस्दिक का इशारा इमरान के उस बयान की तरफ है जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि अलकायदा को ISI ने ही ट्रेनिंग दी थी। दरअसल इमरान खान ने सोमवार को न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में ऐसा कबूलनामा किया था, जिसके बाद से पाकिस्तानी फौज और ISI के खेमों में हलचल मची हुई है। गौरतलब है कि जुलाई महीने की अमरीकी यात्रा के दौरान इमरान ने पाकिस्तान में 40,000 आतंकी होने का सच भी कबूला था, मगर इस फंटर के इस बयान के बाद पाकिस्तान में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, यानी गुलर का पेट फटना शुरू हो चुका है। अब इमरान की लपाटी गिरी परत दर परत खुल रही है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि इमरान ने दावा किया था कि UNHRC में पाकिस्तान को 58 देशों का समर्थन मिला है, जबकि कश्मीर पर प्रस्ताव लाने के लिए 16 देशों के समर्थन की दरकार थी, लेकिन वह भी नहीं जुटा पाए। यह भी बेवकूफ बनाने की चाल थी। 47 सदस्य वाले UNHRC में 58 सदस्यों का समर्थन पाकिस्तान को मिल गया है, पर मामला तो यही है जिसके लिए हिंदुस्तान रोज इनकी औकात याद दिलाता है। बेवकूफों को बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तानी मदरसे में हाफिज के पोस्टर चिपकाने का ठेका दिया जाएगा। पाकिस्तान की कौम अनाड़ी और जाहिल नहीं है बल्कि महामूर्ख और भिखारी भी है। इनके अपने देश के नेता ही इन्हें बेवजह गधैया नर्तक कराते हैं, फिर यह भी तैमंद को लहराकर मस्जिद की मीनार को एफिल टावर बताने में देर नहीं लगाते। कश्मीर पर यही खेल पाकिस्तान खेल रहा था, जिसका पटाक्षेप अब जाकर हुआ है। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा मिशन पर निकले इमरान को मुल्क में लौटकर अपनी सलवार सुखाने की रस्सी भी नहीं मिलेगी। संभवतः उन्हें अबाया पहनकर पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान पोल केवल दुनिया भर में ही नहीं पाकिस्तान में भी खुल चुकी है। कश्मीर मुद्दा खत्म हुआ, अब पीओके का मुद्दा शुरू होने जा रहा है। कल सेनाध्यक्ष विपिन रावत ने यह कहकर संकेत भी दे दिए कि अब बालाकोट से भी बड़ा करने का वक्त आ गया है। मतलब इमरान की मोदी बजा रहे हैं और बाजवा इसकी इमरान बजा रहा है, यानी इस वक्त पूरा पाकिस्तान बज रहा है। 70 सालों से जितना हुड़दंग इसने मचाया है, भारत उसे सूद सहित वसूलने की तैयारी कर चुका है। हो सकता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े और पीओके को अखंड भारत का हिस्सा मोदी के इसी कार्यकाल में देखने को मिले, क्योंकि इस वक्त भारत जोश और उमंग से भरा है और इसे भरने वाले हैं ग्लोबल लीडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब
तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।